हेलो, आप कौन? विवेक। मैं नहीं जानती आपको। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं स्कूल से आई हूँ, तो यहाँ मेरी मम्मी पानी बेचती हैं, तो मैं उनकी हेल्प करने आई हूँ। आपकी मम्मी क्या करती हैं? यहाँ पानी बेचती हैं। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा नहीं हैं। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? मेरी मम्मी यहाँ पानी बेचते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करने आई हूँ। आप भी पानी बेचोगे? हाँ, मम्मी की मदद करूँगी यहाँ पर। कौन कौन है? मैं और मेरी मम्मी। पढ़ाई कहाँ तक की हो आप? मैं अभी 10th में हूँ। वो पढ़ना चाहिए कि पानी बेचना चाहिए? मेरी मम्मी को मदद चाहिए, तो मैं उनकी हेल्प करने आई हूँ। कहाँ पढ़ाई करते हो आप? मैं गवर्नमेंट स्कूल हूँ। आपको स्टडी करना चाहिए या फिर पानी बेचना चाहिए? मैं मेरी मम्मी की हेल्प करने आई हूँ ना यहाँ पे, उनकी हेल्प करनी ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? लक्षिता। लक्षिता, आपको पढ़ाई करनी चाहिए या पानी बेचना चाहिए? हेल्प करनी पड़ेगी मेरे को। लेकिन अब पानी नहीं बेचोगे आप? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं पानी नहीं बेचने दूंगा आपको। मैं आपको नहीं जानती हूँ। नहीं, जानता तो मैं भी नहीं हूँ आपको, लेकिन अब आप यहाँ पानी नहीं बेचोगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं और क्या कर सकती हूँ? आप कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। कि मम्मी कब से पानी बेच रही हैं? जब मेरे पापा की डेथ हो गई, तो उसके बाद से मैंने शुरू कर दिया था। आपका भाई बहन है कोई? पानी तो नहीं बेचोगे आप? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं जानती हूँ ना। आपकी एज कितनी है? 16। आप 16 साल की एज में पानी बेच रहे हो, सोचा है कभी तुम्हारे भविष्य के बारे में क्या होगा? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। पानी बेचने से तुम्हारा फ्यूचर बनेगा? बस मम्मी की तो हेल्प होगी ना। तो मम्मी के हेल्प के लिए अपना करियर क्यों खराब कर रही हो? मदद नहीं करता है और सब मजाक बनाते हैं ना, घर में खाने के लिए कुछ, गरीबी का सब हमारे मजाक बनाते हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, स्कूल की फीस भी देनी होती है। पानी बेचने से तुम्हारा फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा? तुम्हारा एजुकेशन कैसा है? पूछ रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में कैसी हो? मैं स्कॉलर हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जब पापा की डेथ हुई है, तब से पूरी जिंदगी फीस हो गई है हमारी। अब आप पानी नहीं बेचोगे, ये मेरा आदेश है, निवेदन नहीं है, और मैं आपको यहाँ तो पानी नहीं बेचने दूंगा। ऐसी रोड पे है, क्यों आप हमें और रोड पे ला रहे हो? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ वो बताओ। टेल मी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ ये बोलो। लक्षिता, मेरी क्यों मदद करना चाहते हो? कोई ऐसे बिना मतलब के कोई मदद नहीं कर सकता ऐसे। लक्षिता, हर इंसान मतलब नहीं देखता है, और मुझे लगता है कि आपको ये चीजें नहीं सोचना चाहिए, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। और मेरा आपसे क्या मतलब होगा आप बताओ। जानता हूं दुनिया बहुत बुरी है, लोग बहुत घटिया हैं, लेकिन इसी दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं ना। भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? मैं आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि आप पानी बेचना छोड़ दो। आपको क्या चाहिए बताओ मुझसे। बहुत घटिया होते हैं, मैंने इस बात को फील किया है। उसका मतलब क्या है, अच्छे से जानती हूं। मैं ऐसे ही खुश हूँ, मैं पानी बेच के अपनी जिंदगी चला रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कि आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ लक्षिता, लेकिन पानी बेचना आपका फ्यूचर नहीं है। जानते हैं दुनिया में बहुत घटिया लोग हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आपको लाइफ में एक बार भरोसा करना पड़ेगा ना। कब तक पानी बेचोगे आप? अपने थे, उन्होंने तो छोड़ दिया, तो अनजान पे कहाँ से भरोसा करेंगे। कभी कभी कुछ पराये भी अपनों से बढ़कर के होते हैं, बस हमें समझना होता है उनको। पानी तो आप नहीं बेचोगे? कोई कुछ नहीं करता सर, और मैं आपको कुछ रिटर्न में दे भी नहीं पाऊंगी। आपके माइंड में सब चीजें कहाँ से आती हैं? आपके माइंड में सब चीजें कहाँ से आती हैं? आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको ये फालतू चीज़ें कहाँ से आती हैं आपके दिमाग में? देख लिया है सर, जब से मेरी मम्मी पानी बेच रही है, मैंने देख लिया है इस दुनिया कैसे हम लोग देखती है। तो दुनिया के बारे में क्यों सोचते हो? आप अपने बारे में सोचो ना। मम्मी एक दिन का 400 रुपये कमाती है, और मैं अगर देखना छोड़ दिया तो हम कैसे चलाएंगे? वहाँ पे देखो कैमरा लगा है, और ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है वो आप छोड़िए। गाइज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, वीडियो को आप हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचाओ, और मैं चाहता हूँ आप DPS में पढ़ाई करो, और आपकी मम्मी और आप पानी नहीं बेचोगे, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उनको उड़ाने दीजिए। इनके लिए नहीं खड़ा हुआ ना तो मेरा पैसा कमाना, मेरा गाड़ी खरीदना सब बेकार है। अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो उससे बेहतर है डूब के मर जाओ यार। करो आज के बाद आप काम नहीं करोगे। पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की है, इसके माइंड में सब चीजें कहाँ से आती हैं? क्योंकि वो दर्द हमारे समाज ने दिया है। लड़की खुददार है यार, के साथ खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करो। आज के बाद आप कोई काम नहीं करोगे, ये मेरा आदेश है। कि मम्मी कहाँ है? मेट्रो स्टेशन पे पानी बेचने गई है। गाइज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, इन हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए यार, मजबूरी में इन्होंने पानी उठा लिया। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाती हैं तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।